हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ना, ये होगी नए बैच पे, जो हमने नया बैच स्टार्ट किया हुआ है। और आज हमारी पहली वीडियो है इस पर, वो क्या है, बीए फर्स्ट ईयर के एंशियंट हिस्ट्री का, प्राचीन इतिहास का प्रथम सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1। तो आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पहले यूनिट के बारे में कि प्राचीन इतिहास का पहला यूनिट कैसा है। ऑलरेडी हमने बीए से रिलेटेड 2000 से भी ज्यादा हमारे वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो अगर आप चैनल पे विजिट नहीं किया है अभी तक तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो पहला जो आपका यूनिट है ना, इसमें आपको पढ़ना है प्राचीन भारतीय इतिहास का, या प्राचीन भारतीय जो संस्कृति रही है, इसको आप इतिहास भी बोल सकते हो, कि हिस्ट्री भी कई जगह पर लिखा रहता है, कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। यानी कि अगर हमको हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानना है, प्राचीन भारत के बारे में जानना है, तो प्राचीन भारत का इतिहास कैसा था, कैसा था हमारा प्राचीनतम टाइम पीरियड, कैसा था हमारा प्राचीनतम समय, क्या होता था, किस तरीके की सामाजिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, वो सारी चीजें क्या थी, उसको जाने कैसे। कि आज आप हो, आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 10000 साल पहले क्या हुआ था, आप कैसे जानोगे। आपके पास कोई ऐसी चीजें तो है नहीं जिससे देख करके आप जान जाओगे कि हाँ उस समय क्या हो रहा था। तो उसके बारे में जानने के बेसिकली चीजें क्या है, कौन सी चीजों से हम जान सकते हैं। तो इसके जानने के लिए बेसिकली मुख्य रूप से दो चीजें हैं, दो अध्ययन करने की विधियां हैं, दो चीजें जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारे प्राचीनतम इतिहास में क्या चीजें हुई थी। उसमें से पहली चीज आती है आपका पुरातत्व, तो यानी कि खुदाई के माध्यम से या फिर अलग अलग जगहों पर जो फिजिकल रूप में एविडेंसेज हैं, उनके माध्यम से हम चीजों को एब्जॉर्ब करें। और दूसरी आती है आपका साहित्यिक क्षेत्र। तो इनमें क्या होता है, साहित्यिक में कुछ बुक्स लिखी गई है, कुछ आपकी ग्रंथ है, तो उनसे देख करके, उनको जान करके उस टाइम पीरियड पे क्या चीजें थी, उसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है और उसके बारे में जाना जा सकता है। तो ये बेसिकली दो मुख्य रूप से चीजें हैं जिससे ये चीजें की जा सकती है। इसमें जो सबसे पहली चीज है जिसको हम कहेंगे कि पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत का भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि जो भी चीजें हमने साहित्य में पढ़ी हुई है, जब हमने अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ी हुई है, जो धार्मिक ग्रंथ है, चाहे वो वेद हो, महाभारत हो, रामायण हो, या फिर अलग अलग जो पुराण है, उनमें जो चीजें लिखी हुई है, उनको वेरीफाई करने के लिए कहीं ना कहीं पुरातात्विक स्रोतों की जरूरत पड़ती है। कई सारी जगहों पर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ के बारे में जो है बस दो लाइनें लिखी गई हैं अश्वमेध यज्ञ के बारे में, कि हाँ अश्वमेध यज्ञ कभी हुआ था। लेकिन जब अयोध्या में अभिलेख देखा गया, जब अयोध्या में अभिलेख मिले और उसपे जब देखा गया, तो उसमें पता चला हमें कि हमारे इतिहास में 2 बार अश्वमेध यज्ञ हो चुके हैं। तो उसकी पुष्टि हो सकी कि जो चीजें बुक्स में लिख दी गई है वो झूठी नहीं थी। तो एक तरीके से उसके बारे में जानने के लिए भी हमें साहित्यिक स्रोतों को भी प्रूव करने के लिए पुरातात्विक स्रोतों की जरूरत पड़ती है। तो पुरातात्विक मतलब जिनको जमीन से खोद करके पुरातत्व विभाग के लोगों ने निकाला है, जमीन के अंदर से, या फिर प्राचीनतम जो अवशेष है उनके माध्यम से जो चीजें हम प्राप्त करते हैं, जानते हैं, वो कहलाता है हमारा पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोतों में जो है सबसे पहली चीज आती है आपका अभिलेख। अभिलेख मतलब लिखा हुआ, किसी जगह पर लिखा हुआ, किसी चीज पर लिखा हुआ, मतलब जो एविडेंस के रूप में जो पत्थर हो गए, अलग अलग जगह हो गए, उसमें जो गुदाया जाए, मतलब किसी को सीधी अथॉरिटी से या किसी भी चीज से, मतलब उस पर बहुत ज्यादा एफर्ट लगा करके जो चीज खुदाई करके या किसी तरीके से उस पर लिखा जाए अभिलेख। देखो कि आप पत्थरों में लिखा जाता था, गुफाओं में लिखा जाता था, जो है जो पात्र होते थे उन पात्रों पे लिखा जाता था, चार दिवालियों में कुछ चीजें लिख दी जाती थी। तो मतलब जो चीजें जमीन के अंदर से खोद करके निकाली जाए और जिनमें कुछ लिखा हुआ हो प्राचीन समय के बारे में, तो वो जो ठोस एविडेंस है उसको कहा जाता है अभिलेख। अब अभिलेख भी कई सारे प्रकार के होते हैं, कई सारे टाइप्स के होते हैं, जिनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको चीजों को अच्छे तरीके से समझना है कि आखिर क्या है अभिलेख। तो अभिलेख में आप देखोगे सबसे पहली टाइप आपको दिखेगी अभिलेख में आता है आपका स्तंभ अभिलेख। स्तंभ मतलब समझ पा रहे हैं कि स्तंभ, स्तंभ मीन्स खंभा, जैसे अशोक के स्तंभ आपने देखे होंगे और अभी भी कई जगहों पर अशोक के स्तंभ है। तो अशोक का स्तंभ जो है, तो स्तंभ क्या है, एक पावा है, एक खंभा है, और उसमें कुछ चीजें गुदी हुई होती थी, कुछ चीजें लिखी गई होती थी, कुछ स्तंभ बनवाए जाते थे कि लोगों को जब आज से 1000 साल पहले, 2000 साल बाद में लोग जब देखेंगे तो वो चीज देख करके लोग हमारे बारे में जान पाएंगे। तो इसलिए प्राचीन समय में राजा लोग या फिर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उन चीजों को लिखते थे कि हाँ क्या ये चीजें हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो इससे क्या होता था कि स्तंभ को जब आज बार मान लिया, वो स्तंभ गिर गए या वो स्तंभ मिट्टी में मिल गए और हजारों सालों के बाद जब कोई उधर वहां की खुदाई कर रहा है और मिट्टी से निकल रहा है एक स्तंभ और उसमें कुछ चीजें लिखी हुई है और उसमें डेट भी लिखा हुआ है कि इस टाइम पे ये चीजें हुई थी, ये चीज के बारे में बात किया गया, तो उसे बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। अब आइए बात करते हैं दूसरा जो हमारा अभिलेख है, वो है शिला अभिलेख। यानी कि शिलाओं पर लिखे गए अभिलेख को शिला अभिलेख कहते हैं। शिला मतलब पत्थरों की कोई
पहाड़ है, पहाड़ की शिखा जो हो गई शिखा, उस शिलाओं पर लिख दिया गया, पत्थरों पर लिख दिया गया, तो उसको कहा गया कि क्या है, शिला लेख है। तो शिलाओं पर जो लेख लिखे गए उनसे जो भी एविडेंस मिलते हैं, जो भी जानकारियां मिलती है, उसको कहते हैं शिला लेख। तीसरा आता है आपका गुहा लेख। गुहा लेख मतलब होता है गुफा, गुफा के अंदर गुफाओं में भी कई सारी चीनी हथौड़ी चीजों का यूज करके गुफाओं में जो है काट काट करके गुफाओं को उसमें लिखा गया है। तो वो जो चीजें एविडेंस है जब गुफाओं में लेख के रूप में मिलते हैं उनको कहते हैं हम गुहा लेख। तो वहां से भी तमाम सारे एविडेंस जानने को मिलते हैं, जैसे कि आप देखोगे एलोरी की गुफाएं हो गई, अजंता की गुफाएं हो गई, बहुत सारी चीजें वहां से देखने को मिली, जानने को मिली। अगली चीज है आपका मूर्ति लेख। बहुत सारी ऐसी मूर्तियां मिली जमीन के अंदर से खुदाई करने पर जिन पे लेख लिखे हुए थे कि ये मूर्तियां किसने लगवाई हुई है, उनका पूरा खानदान क्या उन्होंने किया और क्या उन्होंने अपनी लाइफ पूरे स्टाइल में क्या चीजें उन्होंने किया हुआ था, वो सारा कुछ हमको जानने को मिल जाता है। तो मूर्तियों पर लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं, मूर्ति लेख। उसके बाद आता है अगला प्राकार लेख। प्राकार मतलब होता है चार दीवारी, जैसे मंदिर की चार दीवारी हो गई, राज्य की चार दीवारी हो गई, तो चार दीवारियों पर जो चीजें खुदाई जाती थी लिखवाई जाती थी उसको कहा जाता है आपका प्रकार लेख। कि उसके माध्यम से जब वो चार दीवारियां हजारों सालों बाद जमीन के अंदर दब चुकी थी, फिर से उनको उखाड़ा गया, फिर से जमीन को खोदा गया, तो वहां से चीजें मिली, तो उससे हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली कि हाँ ये चीजें कभी इस टाइम पीरियड पे था और ये चीजें थी, ऐसा उनका जो है माइंडसेट था, उनकी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जान सकते हैं कि लोग अपने समाज के बारे में क्या सोचते थे, राजनीतिक व्यवस्था उनकी कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था उनकी कैसी थी, उनकी थिंकिंग कैसी थी, तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। उसके बाद आता है अगला आपका पात्र लेख। पात्र मतलब होता है बर्तन। बर्तनों पर जो लेख लिखे जाते थे, बर्तनों पर जो लेख लिखवाए जाते थे उसको कहा जाता था पात्र लेख, बर्तन पर जो लेख लिखे गए। अगला चीज है आपका ताम्रपत्र लेख। ताम्रपत्र मतलब आपको पता होगा, ताम्रपत्र लेख आपने बहुत सारी जगहों पर देखा भी होगा कि तांबे का एक पत्र होता है और उस पे जो चीजें लिखी जाती है उसको कहा जाता है ताम्रपत्र लेख, क्योंकि तांबा काफी समय तक उसको सस्टेन रखा जा सकता है, तो ताम्रपत्र पे चीजें लिखी जाती थी और वहां से भी कई सारे लेख हमको देखने को मिले हुए हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके अभिलेख जो है ये पुरातत्व के स्रोत हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे अभिलेख हमको क्या होते हैं, जमीन के अंदर से खुदाई करने पर मिलते हैं। जब हम जमीन की खुदाई करते हैं तो ये चीजें हमको देखने को मिलती है। अब आइए बात करते हैं दूसरा जो टाइप है पुरातात्विक स्रोत का, वह है मुद्राएं। मुद्रा मतलब होता है सिक्के। तमाम सारे राजाओं के बारे में आप देखोगे तो राजा अपने टाइम पीरियड में जो भी सिक्के चलवाते थे उस पर अपनी मुहर हो गया या फिर अपने राज्य के बारे में कुछ चीजें, कुछ ना कुछ चीजें अपने बारे में लिखवा ही देते थे। तो सिक्कों के माध्यम से भी हमें कई जो है कुछ ऐसी टाइम्स रहे जिनको हम केवल सिक्कों के माध्यम से जानते हैं, जैसे ह्वेन की, ह्वेन का जो पूरा टाइम पीरियड रहा, जो उन्होंने राज किया वो पूरा हम केवल सिक्कों के माध्यम से उनके बारे में जान पाए, अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलता कि कभी वो आए थे भारत में और उन्होंने राज किया हुआ था। तो कई सारी चीजें हैं जो हमें सिक्कों के माध्यम से पता चलती है। तो जो भी सिक्के हमें खुदाई के माध्यम से मिल जाते हैं उन सिक्कों पे भी कुछ चीजें अगर अंकित है, कुछ चीजें लिखी हुई है, तो उससे हम उस टाइम पीरियड के बारे में पता लगाते हैं। अगला है आपका स्मारक। स्मारक मतलब भवन, बिल्डिंग्स। इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि एक कवि, एक लेखक अपनी कविताओं को लिखता है अपने कलम के माध्यम से, वैसे ही एक कलाकार जो होता है वो अपने कविताओं को, अपनी रचनाओं के को वो किस माध्यम से लिखता है, छिनी हथौड़ी, अपने काम, अपने स्किल्स, अपने स्मारक, अपने भवन, अपने कारीगरी के माध्यम से उस चीज को व्यक्त करता है। और तमाम सारी चीजें हम उसके उन स्ट्रक्चर्स को देख करके जान पाते हैं कि उस समय के लोगों का थिंकिंग प्रोसेस क्या था, क्या वो स्ट्रक्चर बनाना चाहते थे। तो बहुत सारी चीजें हम उस टाइम पीरियड के बारे में जान सकते हैं। ओके, तो स्मारक भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे हम बहुत कुछ जान सकते हैं। जो भी भावनाएं जो एक कवि व्यक्त करता है अपनी किताबों में, वो जो कारीगर होता है वो व्यक्त करता है अपने कलाओं में, अपनी कलाओं के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाता है इस टाइम पीरियड के में क्या चीजें थी। जैसे शाहजहां का जो टाइम पीरियड था उसको कहा जाता है कि मतलब वो बहुत गोल्डन ईरा था जो है स्ट्रक्चर के लिए, बहुत गोल्डन ईरा था जो है इन सब चीजों के लिए, बिल्डिंग्स बन रही थी। आप देखोगे शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिया, लाल किला बनवा दिया, बहुत सारे बिल्डिंग्स उसने बनवाए, तो वो टाइम पीरियड था जो है गोल्डन एरा था कहा जाता है अपने आप में। तो बहुत सारी चीजें उन स्मारकों को देख करके बताई जा सकती है कि उस समय किस तरीके की कलाकारी थी, क्या चीजें थी, वो चीजें कहां से अडॉप्ट की गई थी। तो बहुत सारी चीजें हमको स्मारकों के माध्यम से भी जानने को मिलता है। तो मुद्राएं हो गया, अभिलेख हो गया, स्मारक हो गया, ये सारी चीजें जो है किसके माध्यम से हम जानते हैं, ये पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। इनके माध्यम से हमको समाज के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्रोत है वो आ जाता है आपका साहित्यिक स्रोत। ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्रोत है साहित्यिक स्रोत, और फर्स्ट है आपका पुरातात्विक स्रोत। अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। तो साहित्यिक स्रोत में आप देखोगे हिंदुओं के साहित्य आ जाते हैं, हिंदू साहित्य में आपके कई सारे साहित्य आ जाते हैं। क्योंकि साहित्यों में क्या होता है कि जिस टाइम पीरियड में ये साहित्य लिखे गए उस टाइम पीरियड के बारे में, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, ऐतिहासिक हो,
माइंडसेट वाली चीजें हो, बहुत सारी चीजें जो भी उस टाइम पीरियड पे थी वो चीजें उस बुक्स में लिखी हुई होती है। जैसे कि आप वेदों की बात करोगे कि चार वेद लिखे गए भारत में, तो उस समय वेदों के टाइम पीरियड पे जो चीजें रही समाज में, उन समाज के बारे में हमको जानने को मिलता है कि उस समय समाज के लोगों की थिंकिंग क्या थी, उनकी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्थिति कैसी थी, तो वेदों से भी आपको जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है वेदों के बाद ब्राह्मण उपनिषद हो गया, आरण्यक हो गया, उपनिषद हो गया, इनके माध्यम से आपको जानने को मिलता है कि उस टाइम पीरियड में समाज की स्थिति कैसी थी, क्या चीजें थी। तो प्राचीन इतिहास के बारे में जानने को यहां से भी मिलता है। उसके बाद आ जाता है नंबर वेदांग और सूत्रों का, यानी कि वेदों का ही कुछ पार्ट निकाल करके उसको और भी विश्लेषण करके जो रखा जाए उसको कहते हैं वेदांग। तो वेदों वेदांग के टाइम पीरियड जब आया तो उस टाइम पीरियड में क्या चीजें थी, जो सूत्र लिखे गए। उसके बाद महाकाव्यों के टाइम पीरियड पे समाज किस तरीके से था, उसका समाज का राजनीतिक आर्थिक सामाजिक जो पहलू थे वो किस तरीके से। जब महाकाव्यों की बात करोगे तो इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य आते हैं, जिसमें आपका नाम आता है महाभारत का और रामायण का। अब इन दोनों महाकाव्यों के टाइम पीरियड पे, कि महाभारत के टाइम पीरियड पे लोगों की सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्थिति कैसी थी, कैसे समाज में रहते थे, लोगों का सामाजिकता किस तरीके थी, लोगों की थिंकिंग किस तरीके से थी, ऐसे ही रामायण के जब टाइम पीरियड रहा उस टाइम पीरियड पे लोगों की थिंकिंग कैसी थी, सोच कैसी थी, उस चीज के बारे में बात करना है। अगली चीज है आपका स्मृति ग्रंथ, स्मृतियां जब लिखी गई, कई सारी स्मृतियां लिखी गई, कई सारी टीकाएं लिखी गई, तो उस समय क्या समाज था। पुराणों पुराण लिखे गए, जैसे पुराण है 18 पुराण, तो 18 पुराणों में उस टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें रही, बहुत सारी चीजें जो अब जिस टाइम पीरियड पे जो चीजें लिखी जाती है ना कहीं एक माइंडसेट उसी तरीके से काम कर रहा होता है। ब्रह्मेतर साहित्य हो गया, यानी कि इन साहित्यों के बाद जो ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से जो साहित्य लिखे उन साहित्यों को कहते हैं हम ब्राह्मणेतर साहित्य। जो साहित्य ब्राह्मणों ने लिखा हुआ है, ब्राह्मणों ने अपने थिंकिंग अपनी एबिलिटी अपने स्किल्स के माध्यम से जो साहित्य लिखे उसको कहते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य। तो ये सारी चीजें आती है जो कि साहित्यिक स्रोत है किसके, हिंदू साहित्य के, जिसके माध्यम से हमको प्राचीन इतिहास के बारे में जानने को मिलता है कि प्राचीन इतिहास में क्या चीजें थी, क्या चीजें नहीं थी, किस तरीके के समाज थी, क्या सामाजिक व्यवस्था थी, क्या राजनीतिक व्यवस्था थी, क्या आर्थिक व्यवस्था थी। तो हिंदू साहित्य के माध्यम से हमको इन सभी चीजों के माध्यम से जानने को मिलता है। इसके बाद आज बात करें अगर हम जैन ग्रंथों की, तो जैन ग्रंथों के माध्यम से भी जानने को मिलता है, जैसे इसमें आपका परिशिष्ट जो है पर्वत ग्रंथ हो गया, या फिर भद्रबाहु चरित्र हो गया। तो भद्रबाहु के टाइम पीरियड में समाज कैसा था, उनकी राजनीति की आर्थिक स्थिति कैसी थी, उनका राज्य कैसा था, लोग किस तरीके से बिहेव करते थे उस टाइम पीरियड में, समाज कैसा था, प्रजा कैसी थी, राजा कैसे थे, क्या व्यवस्था हुआ करती थी, तो वो सारी चीजें आपको भद्रबाहु चरित्र में मिल जाएगा। आवश्यक सूत्र हो गया आपका, आचरांग सूत्र हो गया, भगवती सूत्र हो गया आपका, कलिका पुराण हो गया। तो ये सारी चीजें उस समय थी जब जैन ग्रंथों के माध्यम से, जब जैनों का टाइम पीरियड आया, ये जो ग्रंथ लिखे गए उस टाइम पीरियड पर समाज कैसा था, राजनीति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, लोग किस तरीके से सोचते थे, लोगों का व्यवहार कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, बहुत सारी चीजें उस टाइम पीरियड के बारे में जानने को मिलती है। और इसके बाद आ जाता है आपका थर्ड थिंग जो कि है आपका लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य मतलब जिसको अब जो है बेसिक रूप में वो धार्मिक ग्रंथों से हट करके जो उस समय जो लोग थे उन लोगों ने क्या चीजें एक्सपीरियंस किया, उनमें कुछ लेखक थे जिन्होंने उन एक्सपीरियंसेस को अपनी बुक्स में कैद किया, उसको कहते हैं लौकिक ग्रंथ। यानी कि धार्मिक ग्रंथों से हट करके जो लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ग्रंथ लिखे उनको कहते हैं लौकिक ग्रंथ। जैसे कि लौकिक ग्रंथों में आप देखोगे अर्थशास्त्र का नाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र बुक लिखा है इसका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्थशास्त्र के लिखते टाइम कौटिल्य ने जब चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड कैसा था, बहुत सारी चीजें आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समाज के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के जो उनकी एम्पायर थे उसके बारे में बहुत सारी चीजें अर्थशास्त्र में आपको देखने को मिल जाएगी। तो उससे उस समय के बारे में आइडिया लगाया जा सकता है, समझा जा सकता है। और उसके बाद जो अभिलेख है वो जब चीजें मिलती है तो दोनों कॉम्बिनेशन जो है उस समाज के बारे में उस इतिहास को और अच्छे तरीके से दिखाता है। अगली चीज आ गया आपका कल्हण की राजतरंगिणी। कल्हण ने राजतरंगिणी लिखा, तो राजतरंगिणी लिखते समय उस समय सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, वो हो गया। पाणिनी की अष्टाध्यायी हो गया, या फिर गंगी संहिता हो गया, मुद्रा राक्षस हो गया। तो ये सारी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण किताबें हैं जो लौकिक साहित्य के रूप में देखा जा सकता है प्राचीनतम इतिहास को जानने के लिए। तो ये भी अपने आप में एक साहित्य है, और ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, लौकिक साहित्य के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत में आती है। तो इस तरीके से हम बुक्स के माध्यम से और पुरातत्व के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से और पुरातत्व के माध्यम से हम प्राचीन इतिहास को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो हमारा जो पहला यूनिट है इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि हम प्राचीन समय के बारे में अगर हमको जानना है तो उसके अध्ययन के कौन कौन से स्रोत हैं, तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिनके बारे में हमने आपसे बात किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि प्राचीन इतिहास के बारे में अगर आपको जानना है तो कौन से स्रोत आप यूज कर सकते हैं।
देखो इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कई बार क्वेश्चन आता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात करो, तो जब आपसे ये चीज पूछेगा तो पुरातात्विक स्रोतों के बारे में आपको बात करना होगा, जैसे कि अभिलेख हो गया, अभिलेखों के टाइप्स हो गए, मुद्राएं हो गई, स्मारक हो गया, लेकिन आपको इनके लिए भी साहित्यों की क्या योगदान है उसको भी थोड़ा सा एड ऑन करना पड़ेगा कि साहित्य इन चीजों में क्या योगदान देते हैं। और कई बार क्वेश्चन बनता है कि प्राचीन भारतीय साहित्य को जानने के साहित्यिक स्रोत कौन से हैं, तो जब साहित्यिक स्रोतों के बारे में बात किया जाए तो उसमें भी जो है पुरातत्व का क्या योगदान रहता है साहित्यिक स्रोत को प्रूव करने के लिए, वो चीज के बारे में भी आपको थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी होता है। ओके, तो ये था दोस्त आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।